हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिषेक पनारा और हम बात करने जाएंगे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, आफ्टर लॉकडाउन हमें क्या करना चाहिए, कौन से जो पॉइंट है उसके बारे में फोकस करना चाहिए। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, अगर आप कोई वर्क करते हैं, आप सैलरी बेसिस पे हैं, आप एम्प्लॉई हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, और आप कुछ भी नहीं करते, एक इंडियन है, एक भारतीय है तो भी इस वीडियो को देखिए। फिलहाल जो एक समस्या चल रही है COVID-19, जिसके तहत हम और आप सब लोग अपने अपने घर में हैं, उसके बारे में छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर पोस्ट दिखाई दे रही है सोशल मीडिया में अबाउट कि कैसे इकोनॉमी देश चलता है, कैसे बिजनेस चलते हैं। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सा पॉइंट है समझने के लिए कि जैसे कार होती है तो कार इंजन से चलती है, लेकिन इंजन को चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से कोई भी बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस वैसे चलता तो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिसीजन ये कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन लिक्विडिटी एक मेन पॉइंट है जहाँ से बिजनेस चलता है। कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लिक्विडिटी होल्ड करनी चाहिए, लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो मंदी आ जाएगी, महामारी आ जाएगी, 1991 में जैसा हुआ था वैसा होगा, 2008 में जैसा हुआ था वैसा होगा। लेकिन देखिए, एक छोटी सी बात है, इकोनॉमी का एक सर्कल होता है, अगर आप सेविंग कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, लिक्विडिटी को ब्लॉक करके रखेंगे तो इकोनॉमी वैसे भी नहीं चलने वाली। इसलिए सबको अपनी अपनी तरह से कुछ ना कुछ योगदान देना होगा। समझिए, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स में अपडेट करेगी, जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, सबको छूट दे दी थी कि भाई बिजनेस कीजिए, कुछ ना कुछ ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट आया था, सो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी करेगी। लेकिन एज अ बिजनेसमैन हमें क्या करना चाहिए और एज अ कंज्यूमर और कस्टमर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देनी पड़ेगी, लेकिन जॉब देने के लिए अगर उनकी प्रोडक्ट ही नहीं चलेगी तो जॉब कैसे देंगे? मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री बड़ी हो, मैं भी चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लेकिन अगर हमारे देश में हमारी बनी हुई चीज़ हम खुद ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए जो कंज्यूमर है और कस्टमर है उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरों के कहीं भी आ रही हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस देश को बायकॉट कर देंगे, उसको बायकॉट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इंडिया। सो बेहतर भारतीय बनना है, भारत को आगे बढ़ाना है। सो थोड़ी बात इस पॉइंट पे भी करेंगे कि इकोनॉमी कैसे करती है। देखिए, पहले होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आती है कहाँ से? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? सेविंग्स से। सेविंग्स कहाँ से आती है? अर्निंग्स में। यानी कि एक राउंड जैसा चक्र होता है जो पॉइंट बाय पॉइंट मिलता जाता है। सो हम देखेंगे, पहले होता है गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। रूल्स बनाती है तो कोई बिजनेसमैन को कैसे काम करना है, कैसे GST, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारी बात होती है। तो उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होती है। जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो डिवाइड होती है। जैसे वर्कर है तो वर्कर को कुछ उसकी इनकम मिलती है, जो बाकी बचता है वो बिजनेसमैन ले जाते हैं, ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इनकम आती है। जब इनकम आती है तो क्या करते हैं, समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल 100 rupees इज़ माई इनकम, तो मैं कुछ ना कुछ उसको फूड में लगाऊंगा, कुछ नेसेसिटीज़ में लगाऊंगा, समझ लीजिए 20 rupees मैंने उसमें लगाए, 80 rupees मेरे पास पड़े हैं, वो 80 rupees मेरी सेविंग्स है, और 80 rupees मेरी सेविंग्स को मैं कहाँ पर रखूँगा? मैं यहाँ हैंड कैश होगी मेरे पास या फिर बैंक में होगी। अगर वो अमाउंट वहीं पे पड़ी रहेंगी तो क्या होगा? वो अमाउंट वहीं पे पड़ी रहेंगी, उसका वो इकोनॉमी में आगे फ्लो नहीं करेगी। तो होता क्या है, फिर उस इनकम को आगे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं कि उस 80 rupees को फिर से मैंने कुछ चीज़ कुछ बाय कर ली, या फिर अपने कंपनी में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, कुछ नया फैक्ट्री डाल दिया, तो उससे फिर से एक बार नई अपॉर्चुनिटी बनती है। जो नई अपॉर्चुनिटी बनती है वो दूसरों के लिए नए जॉब्स, नए वर्किंग, नए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ लाती है। सो इस चीज़ के लिए क्या करना है, कस्टमर बीइंग कंज्यूमर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को बाय करना है। दूसरी बात, एज अ बिजनेसमैन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, सब कुछ अच्छा, दूसरों से कॉम्पिटिशन में, दूसरी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो बाहर से यहाँ में इंडिया में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो बिजनेस और इकोनॉमी को नुकसान कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारी इतनी अच्छी नहीं चल पाती, क्योंकि हम हमारे इंडिया के प्रोडक्ट और हमारे इंडिया के जो बिजनेस है उनको छोड़कर दूसरी कंपनी और दूसरे प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम वहाँ से नहीं लेंगे, सब यहाँ से लेंगे, कई चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर नहीं बन रही है, उसका पास हमें हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं है। जिस चीज़ों का ऑप्शन है वो चीज़ हमें यहाँ से खरीदनी चाहिए। एक और महत्व की बात है जिस पे हमें गौर करना चाहिए कि कोई भी कंट्री में
दो टाइप की जो मनी होती है उसको क्लासिफाइड किया होता है, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी। तो ये व्हाइट मनी क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी वैसे तो मनी मनी ही होता है, नोट नोट ही होती है, उसमें कुछ भाई अलग बात नहीं होती। लेकिन बात यह है कि जो जिस इनकम पे टैक्स पे किया होता है गवर्नमेंट को, उस इनकम को वाइट मनी, वाइट इनकम, और उससे जो मनी जनरेट होता है उसको वाइट मनी कहते हैं। जिस इनकम को गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है उस इनकम को ब्लैक मनी कहते हैं। इससे नुकसान क्या होता है समझिए, वाइट मनी कैन फ्लो, ब्लैक मनी कांट फ्लो। व्हाइट मनी की जो रीच होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, ब्लैक मनी की उतनी रीच नहीं होती है। सब जगह पे आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बिजनेसमैन होंगे वो जानते होंगे क्या दिक्कत होती है। समझ लीजिए, अगर आपका जो बायर है, जो जो सेलर है, आप जिसको जो जो कुछ भी सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है सिरामिक टाइल्स का, तो अगर मेरे व्यापारी है वो मुझे पैसे NEFT करेंगे, RTGS करेंगे, तो उससे क्या होगा, वाइट मनी फ्लो होगा, तो मैं भी उसको आगे अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ। समझ लीजिए, फिर दिक्कत क्या आती है, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकली ऐसा बोलते हैं कि हमें आगे से नहीं मिल रहा। तो आपको भी यही करना है, आप अपना भी कुछ ऐसा वीडियो बनाएं, आप अपना भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव कीजिए, और अपने आगे जो बायर्स है सप्लायर्स है सबको भेजिए, और सबको पूरे इंडिया को साथ मिलकर एक बेहतर भारत बनाना है, बेहतर भारतीय बनना है। इसलिए मैं अभिषेक पनारा बेहतर भारतीय बनने के लिए एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने सारे YouTube चैनल, ट्विटर, सभी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ अपडेट रखता जाऊंगा। बेहतर भारत ये बनेंगे, बेहतर भारत को बनाएंगे। जय हिंद।